दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे परमानेंट प्लांट के बारे में जो हमारे गार्डन को हरा भरा रखते हैं। ये देखिए, ये कनेर का प्लांट है, ये भी हमारे गार्डन को हरा भरा रखता है और हमेशा ही रहता है। बस सर्दियों में थोड़ा ये डोरमेंसी में चला जाता है, वरना तो हमेशा ही गार्डन में हरा भरा रहता है। और इस टाइम पर देखिए कितने सारे फूल आए हुए हैं इस पर। ये सिंगल पेटल वाला है और ये डबल पेटल वाला है, दो है मेरे पास और ये कटिंग से ही लगे हुए हैं। उसके बाद है हिबिस्कस प्लांट, ये भी गार्डन में हमेशा रहता है, बस सर्दियों में थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है। उसके बाद है करी पत्ता, करी पत्ता भी हमारे गार्डन में हमेशा बना रहता है। आप इसकी थोड़ी सी केयर करेंगे, थोड़ा अच्छे से खाद पानी देंगे तो हमेशा ही बना रहता है। सुदर्शन का, इसमें एक वाइट कलर का फूल आता है, अभी तक तो मेरे इसमें आया नहीं है, लेकिन ये भी हमेशा ही बना रहता है। ये मैक्सिनन पिटूनिया है, ये एक समर पिटूनिया है, गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, इसमें पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं और मेरे ये गार्डन में बहुत सालों से बना हुआ है। यानी कि मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ तभी भी ये फिर से दोबारा से उभर जाता है और इसके नीचे से रनर खूब निकलते रहते हैं, आप उनको कहीं भी लगा सकते हैं। और इसमें बीज भी बनते हैं और वही फूट फूट के दूसरी जगह बन जाते हैं, जिससे कि इससे बहुत सारे पौधे हो जाते हैं। और कोलेसिस भी जो है हमेशा ही बना रहता है, थोड़ा सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है, बाकी टाइम में ये लगा रहता है अगर आप इसके अच्छे से केयर करेंगे। ये मेरे पास तीन वैरायटी वाला कोलेसिस है, देखिए ये ब्राउन है, ये दूसरे उसका है और ये पिंक वाला है। उसके बाद है सदाबहार, ये भी हमारे गार्डन में हमेशा ही बना रहता है। फिर है गुलाब, ये भी हमारे गार्डन में हमेशा बना रहता है, बस इनको थोड़ा खाद पानी अच्छा से देना पड़ता है और ये हमेशा ही बने रहते हैं। अपराजिता का भी फ्लावर प्लांट हमारे गार्डन में हमेशा बना रहता है, ये इसकी एक बेल चलती है और ये हमेशा ही बना रहता है, बस सर्दियों में थोड़ा डाउन हो जाता है। बाकी इसकी कटिंग वगैरह कर दी है मैंने तो अभी अच्छे से चल पड़ा है। ये देखिए एक मैक्सिम समर पिटूनिया की ही वेराइटी है, इसमें पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। वीरा है दोस्तों, ये भी हमारे गार्डन को हरा भरा रखता है और इसको ज़्यादा खाद पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। ये मरवे का प्लांट है, ये भी हमारे गार्डन को हरा भरा रखता है और इसके इसमें से बीज निकलते हैं, इसकी चटनी वगैरह भी बनती है और एक मेडिसिनल प्लांट है दोस्तों। ये भी हमेशा ही हमारे गार्डन में बना रहता है, इसके रनर्स होते हैं, यहाँ से इसकी जड़ें निकली रहती हैं। अगर आप इसको यहाँ से तोड़ के किसी दूसरे में लगा दोगे तो अच्छे से चल जाएगा और ये लटकते हुए बहुत सुंदर लगता है और ये हमेशा ही बना रहता है। इसको भी थोड़ा अच्छे से खाद पानी दो तो ये अच्छे से बास्केट उसमें बहुत अच्छा चलता है। पर्पल हार्ट, ये भी हमारे गार्डन को बहुत शोभा देता है, बहुत सुंदर लगते हैं इसके पर्पल कलर के लीव्स ना, और इसमें छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, ये भी गार्डन में हमेशा ही बना रहता है। तो ये शमी का प्लांट है और ये भी हमारे गार्डन में हमेशा बना रहता है, इसकी पत्तियाँ शिवलिंग पे चढ़ती है और ये भी अच्छा रहता है प्लांट ना घर में। सिलिंग का प्लांट है, ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा फूल आते हैं गर्मियों में, सर्दियों में थोड़ा डाउन चला जाता है, बाकी गर्मियों में खूब अच्छे से चलते हैं। ये 9 o'clock है, ये भी गर्मियों में खूब फूल देते हैं। ये देखिए, ये मैंने कई कलर के मिक्स करके लगा रखे हैं और अब ये खूब अच्छे से चल रहे हैं। मजनू का प्लांट है, ये भी गार्डन में हमेशा बना रहता है, बस सर्दियों में थोड़ा डाउन चला जाता है, बाकी अभी देखिए इसमें फिर से फूटना स्टार्ट हो गया है, बाकी इसमें हरा भरा रहता है और यहाँ पे छोटा सा फूल आता है इसमें। ये देखिए कली स्टार्ट हो गई है इसकी। और ये देखिए दोस्तों, मुझे इसका नाम नहीं पता, ये भी हमारे गार्डन में हमेशा बना रहता है और ये खूब अच्छे से चलता है, सर्दियों में भी खूब अच्छे से चलता है और गर्मियों में भी चलता है। गार्डन को हरा भरा रखना चाहते हैं तो ये पौधे ज़रूर लगाइए, सर्दियों में भी चलते हैं, गर्मियों में भी चलते हैं और बहुत अच्छा लगता है इन पौधों को देख के ना, मज़ा आता है देख के।